Assalamualaikum dear students, this is lecture number 6, Math 302 Mechanics. तो 5 lectures आपके हो गए थे और ये lecture 6 से हम शुरू करेंगे. तो ये देखिए हम start करने लगे हैं आज. देखें क्या गिर रहा है ऊपर से. Static friction होगी. So we start from static friction. और पहले देख लें इसको understand करें. Static means something is at rest, body is at rest, move नहीं कर रही. और मतलब कि at rest है, move नहीं कर रही. अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है. यहां से कहता है द फोर्स दैट रेजिस्ट द इनिशिएशन. इनिशिएशन मीन स्टार्ट ऑफ स्लाइडिंग मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर विद विच इट इज इन कॉन्टैक्ट. पहली चीज तो यहां से ये क्लियर कर लें कि फ्रिक्शन तब आती है जब दो बॉडीज आपस में इन कॉन्टैक्ट होती है. व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर फ्रिक्शन वहां पर आती है. और फिर वो कह रहा है कि फोर्स जो रेजिस्ट करती है स्टार्ट ऑफ द स्लाइडिंग मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर. हम तो वैसे ही स्टैटिक पढ़ रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन इस केस में भी होगी. जरूरी नहीं कि मूव करे तो होगी. दो बॉडीज इन टच हैं तो उनके दरमियान डेफिनेटली फ्रिक्शन होती है. वो अगर मूव भी कर रही हो एक दूसरे के ऊपर तब भी फ्रिक्शन होती है. तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब होती है जब दो बॉडीज आपस में इन टच हो लेकिन मूव ना कर रही हो. अब वो कहता है फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव वन ऑफ द बॉडीज व्हेन दे आर एट रेस्ट. ये भी ठीक है. जारी बात है. अब ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ आई एम द क्लास, अगर मैं क्लासरूम में होता तो मैं आपको करके दिखा रहा होता. यहाँ थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा. समझ लें कि बुक है उसके ऊपर मैंने डस्टर रखा हुआ है. ठीक है, आप ही की मैकेनिक्स की बुक है उसके ऊपर मैंने डस्टर रखा हुआ है. तो जारी बात है दोनों इन कॉन्टैक्ट है. तो जो जहां पे जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों का आपस में जो इन टच विथ ईच अदर है वहां पे जो फोर्स ऑफ है वहां पे है जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो रिजिस्ट कर रही है किस चीज को कि एक बॉडी दूसरे पे स्लाइड ना करे, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव ना करे. तो ये तो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन. और ये जो लिखा हुआ ना ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टार्टिंग फ्रिक्शन. देखें ये इस तरह से इमेजिन करें, कोशिश करें इसको इमेजिन करने की. यहाँ पे तो नहीं बना हुआ, वही मैं कह रहा हूँ. एक बुक तस्वर करें, अपनी मैकेनिक्स की बुक देख लें, बेशक खुद करके देख लें. मैकेनिक्स की बुक रखें, उसके ऊपर कोई डस्टर या कोई छोटा सा डब्बा रख लें और बुक को हॉरिजॉन्टल रखें. फिर ऐसा ऐसा उसको स्लांट करें, यानी कि उसको टिल्ट करना शुरू करें, उसको टेढ़ा करना शुरू करें. एक स्टेज आएगी कि आप ज्यादा टेढ़ा करेंगे उसने चल पड़ना है. वो जो स्टेज है ना जहाँ पे मतलब है कि नहीं चल रही और थोड़ा आगे करने से चल पड़ती है, वो जो पॉइंट है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ स्लिपिंग. या वहां पे जो आपके पास फ्रिक्शन होती है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. यहाँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा हुआ है ना, जो लिमिटिंग है उसका मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. उसके बाद मोशन हो जाएगी, वो चल पड़ेंगे. तो ये एक चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी. अब ये देखें आई एम नॉट इन द क्लासरूम, लेकिन ये जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स है इट्स अ ब्लेसिंग. जितनी बार मर्जी सुने, बार बार सुने. अगर फर्स्ट टाइम नहीं समझ आता ये ब्लेसिंग के तौर पर लें कि बार बार सुने. अब हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर नंबर 5 आपका फ्रिक्शन वाला. तो अभी इस स्लाइड पे क्या दो बातें हुई हैं कि फ्रिक्शन वहां पे होती है जब बॉडीज दो बॉडीज इन कॉन्टेक्ट होती हैं और वो जो सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट होता है फ्रिक्शन वहां पे होती है. व्हाट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज दैट, ये अवॉइड करती है स्लाइडिंग ऑफ वन बॉडी ओवर अदर. यहाँ देखें रिजिस्ट या अवॉइड द इनिशियल या स्टार्ट ऑफ स्लाइडिंग मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर जो कि इन कॉन्टेक्ट है. और ये भी आप कह सकते हैं फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव वन ऑफ द बॉडीज व्हेन दे आर एट रेस्ट. ये भी ठीक है. थोड़ा धक्का तो मारना ही पड़ेगा ना. जब वो ओवरकम हो जाएगी फोर्स जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और बॉडी स्टार्ट हो जाएगी तो वही मैग्नीट्यूड वाइज तो वही होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी कि मोशन इधर है, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है. वो तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे. लेकिन ये भी ठीक है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव वन ऑफ द बॉडीज व्हेन दे आर एट रेस्ट, तो वो होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो जब मतलब है कि मोशन शुरू हो जाए तो वो होती है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. आगे चलते हैं. ये ले जी आपका उड़ता हुआ है चैप्टर 5 फ्रिक्शन का. अब यहां पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. इधर वो ये बात कर रहा है कि सपोज करें दो बॉडीज ए एंड बी है एंड दे आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. अब यहां तो ऐसी लग रहा है कि कर्व है, लेकिन देखें यही तो ब्यूटी है मैथमेटिक्स की. बॉडीज को कर्व के जरिए भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. वो कहता है व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी, ले जी ये बॉडी ए है, ठीक है जी, ये बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है, ये वाली चीज, ये बॉडी बी है. दे आर इन कॉन्टेक्ट, यहां पे है, यहां पे इन कॉन्टेक्ट है विद ईच अदर एंड इन जनरल ईच एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन द अदर. मतलब ए साहब जो है बी को धक्का मार रहे हैं और बी भी ए को कह रहा है चल हट, वो भी धक्का मार रहा है. अब जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है उनको पता होगा ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एक एक्शन करता है तो दूसरा रिएक्शन होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है. वही काम यहाँ पे होने लगा है. अब यहाँ पे देख लेंगे जी, ये बी साहब ने धक्का मारा और ये ए साहब ने बी को फिर धक्का मार दिया. ले जी अब देखते हैं जी कि यहाँ पे अब ये जो आर है, ये देखिए आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ये रिजल्टेंट फोर्स है. इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वर्टिकल होगा, एक तो नजर आ गया. इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, आगे जाके लिखा हुआ है, इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन. और ये हो गया जी हॉरिजॉन्टल, ये है जी जिसको आप कहते हैं जी फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन है जी. फ्रिक्शन जैसे मैंने पहले कहा था पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे या सर्फेस ऑफ कॉन्टेक्ट पे होती है. इसका क्या काम है भाई,
ये नॉर्मल रिएक्शन, देखिए नॉर्मल रिएक्शन ना होता तो ये जो बॉडी ए है इसने बॉडी बी में घुस जाना था, दिस इज गोइंग टू अवॉइड द पेनिट्रेशन ऑफ बॉडी ए इनटू बॉडी बी, ये सारा लिखा हुआ है। अब पढ़ते हैं यहाँ से, ये लगी सबसे पहले यहाँ से पढ़े, वो कहता है आर इज द फोर्स, ये एक्शन है, और किस तरह का एक्शन है यहाँ पे जी, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द बॉडी बी ऑन बॉडी ए, एग्जर्टेड बाय द बॉडी बी ऑन ए। बॉडी बी कौन सी है, ये ए कौन सी है, ये है कोई यहाँ पे, ले जी इधर को, जारी बात है कि जब बी ने ए को धक्का देना है तो इस तरफ ही होगा, और यही आपके पास हो गया जी एक्शन। माइनस आर क्या है, ये भी फोर्स है लेकिन ये रिएक्शन है एग्जर्टेड बाय ए ऑन बी, ये है जी ए बी के ऊपर कर रहा है, ये आपके पास ए है और ये बी के ऊपर कर रहा है और ये इधर को है माइनस आर है। ये वही वाली बात होगी जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं आपके पास इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है, माइनस आर का सेम मैग्नीट्यूड होगा। तो ये देख लें, ये जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है जो कि आपके पास बॉडी बी ए पे लगा रही है, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो फ्रिक्शन है, और ये है जी आपके पास नॉर्मल रिएक्शन। अब इसका जिक्र आएगा यहाँ पे, ये ले जी, ये बेशक नीचे आप लाइन लगाएं या ऊपर एरो लगाएं लेकिन शो जरूर करेंगे ये वेक्टर है। यहाँ पे देख लें, ये एन और एफ लिखा हुआ है रिजॉल्व पार्ट्स, रिजॉल्व पार्ट्स का मतलब है कि दरमियान में एंगल 90 डिग्री का, इधर भी लिखा हुआ है एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, यहाँ भी नजर आ रहा है कि 90 डिग्री का एंगल है ऑफ आर, एंड देन एन इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये फिर देख लें, ये बी है और यहाँ पे देख लें बी का ए के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, अगर ये ना होता फिर क्या होता, तो जारी बात है ए ने बी में घुस जाना था। और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एफ इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम, ये है जी एफ इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम, और यहाँ पे देख लें ये लिखा होगा, वो कहता है एन प्रिवेंट्स द पेनिट्रेशन ऑफ ए इंटू बी। यहाँ पे देख लें, अगर बी जो है ये ए के ऊपर, यहाँ पे देख लें ये जो चीज आपके पास आ रही है लिखा हुआ है कि प्रिवेंट्स द पेनिट्रेशन ऑफ ए इंटू बी, और एफ क्या कह रहे हैं टेंड्स टू प्रिवेंट स्लाइडिंग ऑफ वन बॉडी अलॉन्ग द अदर एज द फ्रिक्शन एक्ट अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो इसको फिर से देख लें, एन की जो मैं बात करने लगा था, एन लिखा हो कि प्रिवेंट्स द पेनिट्रेशन ऑफ ए इंटू बी, के मतलब है कि ए की पेनिट्रेशन बी में, अगर आप बैठे हुए तो आप जारी पता है टेबल के ऊपर आपका कुछ पड़ा होगा जिसपे आप देख रहे हैं कंप्यूटर आपका, टेबल को जरा प्रेस करके देखें, अगर टेबल का नॉर्मल डायरेक्शन आपके हाथ पे ना हो तो आपका हाथ टेबल के अंदर घुस जाएगा, ये मैंने सिंपल बता दिया, आपका हाथ टेबल के अंदर घुस जाएगा, टेबल आपके हाथ पे फोर्स लगा रहा है, दैट इज नॉर्मल डायरेक्शन। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो नॉर्मल डायरेक्शन है ये बी का ए के ऊपर है, अगर ये गायब कर देते हैं तो ए साहब ने बी में घुस जाना था। तो यहाँ से आप देख लें, ये समझ लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये नॉर्मल एक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये आपके पास थी जो रिजल्टेंट फोर्स थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये आगे जी स्मूथ एंड रफ बॉडीज, ये तो रियल लाइफ के वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं, लेकिन आप देख लें मैथमेटिकल इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। वो कहता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर इज जीरो, तो जो कॉन्टेक्ट होगा उसको कहेंगे जी स्मूथ, हालांकि होता नहीं है, आइडियल तौर पे नहीं होता, फ्रिक्शन थोड़ी बहुत ही होती है, लेकिन इसको यू कर सकते हैं, मैं क्लास में तो ये करके दिखाता हूँ कि आपका व्हाइट बोर्ड है उसके ऊपर हाथ फेरें तो लगेगा जी हाँ ये स्मूथ टच लग रहा है, लेकिन खुदा ना खास्ता ये हाथ फेरें आप उसके ऊपर सैंड पेपर के ऊपर, कपड़ा हो जाएगा, तो वो दूसरा केस स्मूथ होगा, वो रफ होगा सैंड पेपर वाला। इसी तरह से वो कह रहा है इफ अ बॉडी कैन हैव ओनली अ स्मूथ कॉन्टैक्ट विद एवरी अदर बॉडी तो उसको फिर स्मूथ बॉडी कह देते हैं। लेकिन आप एक चीज ध्यान से सुन लें, अब मैं की पॉइंट बताने लगा हूँ, आगे आप क्वेश्चंस करेंगे जहां पे वो कहेगा जी स्मूथ बॉडी है या स्मूथ कॉन्टैक्ट है वहां पे फ्रिक्शन को जीरो लेंगे, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे वहां कहेगा स्मूथ बॉडी है या स्मूथ कॉन्टैक्ट है वहां फ्रिक्शन फोर्स को जीरो लेंगे। तो यहां पे वो कह रहा है कि जी परफेक्ट स्मूथ बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि उस तरह की कोई बॉडी नहीं होती। हाँ ये कह सकते हैं कि ये बॉडी क्योंकि बाकी बॉडीज के मुकाबले में फ्रिक्शन कम दे रही है तो ये स्मूथ बॉडी, ये कह सकते हैं। तो परफेक्ट स्मूथ बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट एज फ्रिक्शन कुड बी नेग्लिजिबल बट नॉट जीरो, नेग्लिजिबल का होता है ना होने के बराबर, जीरो नहीं हो सकती। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ ली स्मूथ बॉडी की, जो मतलब बॉडी किसी दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट हो और जो सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां पे कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो वहां पे होती है स्मूथ बॉडी। ठीक है, अब आगे जी रफ, इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज नॉट जीरो, वो जीरो नहीं है, राइट वो कहता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट वो जीरो नहीं है, फिर बॉडी को कह देते हैं जी रफ, रफ बॉडी है। ऐसी बॉडीज होती हैं रफ बॉडीज, जो मैंने को जिक्र भी किया है कि अगर खुदा ना खासा रफ आपने एक्सपीरियंस करना है तो वो जो रेग वाला होता है सैंड पेपर उसके ऊपर हाथ करें पता लग जाएगा, लेकिन ना कीजिएगा। अब फोर केसेस हैं फ्रिक्शन के, अब ये वही वाली बात है, आई एम नॉट स्टैंडिंग इन द क्लासरूम वरना मैं आपको वहां करके दिखाता, लेकिन आप इमेजिन कर लें बेहतर होगा, आप अपनी मैकेनिक्स की बुक ही पकड़ें उसके ऊपर कोई चीज रख लें, गत्ते का डब्बे रख लें कोई छोटा सा खाली। तो एक तो वो कहता है जी फ्रिक्शन फोर्स इज नेग्लिजिबल नियरली जीरो,
फ्रिक्शन फोर्स इज नेग्लिजिबल, नियरली जीरो। समझ लें कि हॉरिजॉन्टल आपने बुक पकड़ी हुई है, उसके ऊपर एक गत्ते का डब्बा रखा हुआ है, और यहां पे कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स वाकई नेग्लिजिबल, नियरली जीरो है। दूसरा ये आता है, फ्रिक्शन इज देयर बट नो बॉडी इज एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग। ये जो लिखा ना, फ्रिक्शन इज देयर बट नो बॉडी इज एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, अपनी वो बुक को थोड़ा सा टिल्ट करें, टेढ़ा करें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, राइट। तो आप देखेंगे अभी भी स्लाइडिंग नहीं हो रही, तो फ्रिक्शन तो आ जाएगी लेकिन स्लाइडिंग को वो रोक रही है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने डिस्कस करना है, सारे चैप्टर में यही डिस्कस करते रहेंगे। जो नंबर थ्री है कि वन ऑफ द बॉडीज इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग बट एक्चुअल स्लाइडिंग हैज नॉट स्टार्टेड, इसकी लॉजिक है, वी आर स्टडिंग स्टैटिक्स नॉट डायनेमिक्स, बॉडी मूव नहीं कर रही। तो यहां पर देख लें पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग पे, तो इसको कहते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, या मैं तो इसको कहूंगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। वो कहता है वन ऑफ द बॉडीज इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, तो वही बुक आप ऐसा ऐसा टिल्ट करें, टेढ़ा करें, तो एक स्टेज आएगी कि मजीद टेढ़ा करेंगे तो मोशन हो जाएगी, वो जो अपने गत्ते का डब्बा रखा होगा बुक के ऊपर वो चल पड़ेगा। लेकिन वो वाला पॉइंट कि उसके बाद टेढ़ा करने से होती है मोशन, उस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास फ्रिक्शन है, दैट इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब वो मूव कर गया, मूव कर गया तो ये हालात होंगे। वो कहता है व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स अलोंग द अदर, इसका तो ज्यादा अच्छी एग्जांपल आप कर लीजिए, गाड़ी चला रहे हैं सड़क के ऊपर और खुद ही कहते हैं वहां जी मोटरवे तो भाग रही है, वहां पर फ्रिक्शन कम है, लेकिन डब खड़प भी सड़क होती है, खड्डे आ जाते हैं, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है, तो जरा स्लो करना पड़ता है, बल्कि काफी स्लो करना पड़ता है। द फ्रिक्शन फोर्स इन सच अ केस विच अपोजेस मोशन, इसको कहते हैं काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे बॉडी स्लाइड कर रही है। ये हमारा केस नहीं है, हमारा मेन केस थर्ड बनता है, इसको स्टडी किया करेंगे हम, इसी पे बेस करके हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल दिमाग में ये रख लें कि जहां भी आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन का आएगा मामला, वो होगी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद हो जानी है मोशन, उसके बाद हो जानी है स्लाइडिंग। सिक्स लॉज ऑफ फ्रिक्शन आपकी बुक में दिए हुए हैं पेज 105, हमने दो करनी है, ये लीजिए। वी शैल डिस्कस ओनली टू लॉस, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी मूव्स, ये तो वैसे ही कॉमन सेंस है, जिस तरफ आप धक्का लगाएंगे फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, वरना वही तो कहते हैं फिर अपोज कैसे करेगी, रोकेगी कैसे। ये केस है डायनेमिक फ्रिक्शन का और टेंड्स टू मूव इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में भी वही वाली बात है कि अगर आपके पास कोई स्लांट बॉडी है या आपने टिल्ट किया हुआ है और उसके ऊपर कोई चीज पड़ी है और वो स्लाइड नहीं कर रही, मे बी पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग पे है या उससे पहले स्लाइड नहीं कर रही, उसको भी तो कोई फोर्स रोक रही है, वो जो फोर्स होगी स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी मूव्स या टेंड्स टू मूव, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर सकती है या मूव कर रही है, फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट होगी। आगे जाकर डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो ये रूल वहां अप्लाई होगा, दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आता है कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ये एक डेफिनेशन है कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, और यहां पर देख लें यहां पर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है डिफाइंड एज द रेशो, पहली बात है ये रेशो है बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पे एक चीज अभी क्लियर कर लें, ये रेशो किसके दरमियान है, यहां पे कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन, दूसरा भी है मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, दो मैग्नीट्यूड्स के दरमियान रेशो है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दो मैग्नीट्यूड्स के दरमियान रेशियो है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये जीरो भी नहीं है, नेगेटिव का तो हर सवाल ही पता नहीं होता, जीरो भी नहीं है। और जीरो क्यों नहीं है, अब इसका क्या रट्टा लगाना है, वो कह रहा है जी कि मैथमेटिकली देखें, मैथमेटिकली अब अगर ये जीरो होगी तो फिर तो जारी बात है एफ जीरो है, तो वो केस थोड़ी है, हर बॉडी स्मूथ थोड़ी होती है, वो केस हम पढ़ ही रहे, स्मूथ बॉडी के केस में एफ जीरो होता है, और वो स्मूथ बॉडी भी यहाँ पे देख लें आइडियली तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो अगर फ्रिक्शन है तो ये आपके पास नॉन जीरो होगा, एक तो ये चीज है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, ये है जी आपका कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ये म्यू कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, और ये क्या था, ये रेशो थी, किस किस के दरमियान, ये जो आपके पास था मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे देख ले, ये आपके पास जो थी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये जो आपके पास ये एफ आ गया, ये इधर लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, ये था जी नॉर्मल रिएक्शन, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये नीचे लिखा हुआ है, तो ये आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स है और जो नॉर्मल रिएक्शन है उनके मैग्नीट्यूड के दरमियान क्या है, रेशो है। आगे जाके इस तरह लिखने में हम F को म्यू एन ही लिखा करेंगे, F में है म्यू एन, तो ये देख लें आगे जाके अगर आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाती है उसको म्यू एन से रिप्लेस करेंगे, उसको म्यू एन से रिप्लेस करेंगे। अब आ गया जी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये देख लें ना, वही मैं कहता हूं बेशक ये फिजिक्स बेस्ड है सारा, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैथ्स की बैकग्राउंड चाहिए आपको। अब एंगल आ रहा है, ये अभी सारा मैं टाइप कर दूं, उसके बाद यहां से देखते हैं ये किस तरह की बात है। अब मैं यहां से पढ़ता हूं, इफ टू बॉडीज हैव अ रफ कॉन्टैक्ट एट द पॉइंट ओ, ठीक है, रफ कॉन्टैक्ट इसका मतलब है कि फ्रिक्शन मौजूद है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एंड द नॉर्मल रिएक्शन एन हैव अ रिजल्टेंट आर, ये भी आप देख चुके हैं,
कि आर जो है रिजल्टेंट है और जो एन होता है उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एफ जो होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और ये होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के अलावा। मेकिंग एन एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड, अब ये भी देख लें मैग्नीट्यूड है तो फिर ये एंगल पॉजिटिव है, ये चीजें साथ साथ समझे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेकिंग एन एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है तो ये जो आपके पास आ रहा है थीटा इक्वल टू टैन वर्स एफ ओवर एन, या ये कह लें टैन थीटा इक्वल टू एफ ओवर एन विद द नॉर्मल। अब ये कैसे पता लग रहा है कि जी आर का एंगल है नॉर्मल के साथ, डायग्राम से पता लगेगा। ये देखें लिखा हुआ फिगर इज गिवन बिलो, आई फिगर देखते हैं। ये ले जी, ये क्या आया, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये क्या आई फ्रिक्शन, पहुंच गए जी पहुंच गए, और डंडा आया, दूसरा डंडा भी आ गया, अभी डंडे के जोर पे काम करना पड़ता है, क्या करें। खैर ये एक और, ये भी फ्रिक्शन होगी। अब क्यों फ्रिक्शन है जी, ये मैंने आपको कई बार बताया कि जब दो वेक्टर्स आपके पास होते हैं उनकी डायरेक्शन सेम होती है, उनकी लेंथ सेम होती है, दे आर सेम वेक्टर्स। ये तो लीनियर अलजेब्रा में मैंने बहुत बार समझाया कि जब दो वेक्टर्स होते हैं और उनकी डायरेक्शन सेम होती है, उनकी लेंथ, दे आर सेम वेक्टर्स। अगर एफ यहां पर है तो एफ यहां पर भी। इसी तरह से यहां पर देख लें, ये ले जी ये नॉर्मल डायरेक्शन है तो ये भी। अब ये देख लीजिए इतना सा नहीं है, ये कंफ्यूज ना हो जाए, ये डायरेक्शन छोड़ी हुई है, नॉर्मल डायरेक्शन यही जा रहा है। इसी तरह से ये फ्रिक्शन इतनी सी नहीं है, ये टोटल है। इस तरह से यहां से ऑनवर्ड फ्रिक्शन है, ये डायरेक्शन शो की हुई है। डायरेक्शन इसलिए शो की कि मैंने तो आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझाना है ये वाला। अब यहां पे देखें, इसको ध्यान से देखें, ये टैन थीटा एफ ओवर एन। अब रिकॉल करें, मैटर से रिकॉल कर लें, कैसे करते थे इसको डिफाइन टैन थीटा को, आप कहते थे जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका मतलब है कि जी ये साफ परपेंडिकुलर होंगे, ये बेस होगा, तो एंगल यहां बना होगा, यहां पर एंगल बना होगा। देखें यहीं पर ये पकड़ा गया, पता था इधर ही होगा। अब यहां पे देख लें, ये कह रहा है जी के टू बॉडीज हैव अ रफ कॉन्टैक्ट पॉइंट ओ के ऊपर, ओ का भी पता कर लेते हैं, ओ साहब किधर है, ओ आया, ओ ओ आया, लो जी ओ पॉइंट भी आ गया, वो ये है द फ्रिक्शन फोर्स। और जो नॉर्मल रिएक्शन है यहां पे देख लें, उनका रिजल्टेंट आर है, रिजल्टेंट जो आपके पास है इसको ध्यान से देखें, ये है। कहता है मेक इन एन एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड, ये इसके बाद इसको ना पढ़ लीजिएगा, यहां पर आ जाए, इसके बाद यहां पर आ जाए मैग्नीट्यूड थीटा, और यहां पर देखें टेन थीटा एफ ओवर एन, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमेशा याद रखें थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, टेन थीटा हो गया एफ ओवर एन, ये चीज होगी। और फर्दर वो कह रहा है एफ जो है आपके पास इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो, तो थीटा भी जो है वो भी इंक्रीज करेगा अंटिल द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये देख ले, वो कहता है जी एफ इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो, थीटा भी इंक्रीज करेगा। ये डायग्राम से समझे, ये देखें एफ अगर इतना सा है, इतना सा है तो थीटा भी यहाँ पे ड्रॉ करें छोटा सा होगा, एफ यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पे देख लें थीटा और बड़ा हो गया, एफ यहाँ पहुंच गया थीटा और बड़ा हो गया, अब यहाँ पहुंचा हुआ एफ तो थीटा इतना बड़ा है। इन शॉर्ट यहाँ पे देख लें फ्रिक्शन को जीरो कर दें, थीटा भी जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है तो ये थीटा भी बढ़ता चला जाएगा, ऐसे बढ़ रहा है क्योंकि ये एंगल, ये जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है इसका बना हुआ है, एंगल जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका बना हुआ है विद द नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है एक ही डायरेक्शन में होंगे तो जीरो, जैसे जैसे इधर को जाएगा ये जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है ये एंगल बढ़ता जाएगा, और ये फ्रिक्शन डिपेंडेंट है कि फ्रिक्शन बढ़े जा रही है। जारी बात है फ्रिक्शन एक स्टेज पे मैक्सिमम होगी, मैं स्टैटिक की बात कर रहा हूं, फ्रिक्शन एक स्टेज पे मैक्सिमम हो जाएगी और वहां पे ये एंगल भी मैक्सिमम हो जाएगा, और जहां पे ये फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगी वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। वो पिछली स्लाइड पे, पिछली स्लाइड में मैं जा नहीं सकता, वो एरर हो जाता है ये रिकॉर्डिंग में, पिछली स्लाइड पे देखें एफ को म्यून लिखा था, आ गया ना म्यून, और मैंने बता दिया सी स्लाइड फोर इक्वेशन नंबर वन, पिछली स्लाइड ये आपके पास जो है ना स्लाइड नंबर फाइव है, जो स्लाइड फोर इक्वेशन नंबर वन है उसमें ये लिखा था म्यू वन। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जब ये एंगल मैक्सिमम हो गया तो ये जो एफ साहब है ना इनको म्यू वन से रिप्लेस करेंगे, एन को कहेंगे जा हमें तेरी जरूरत नहीं है, एन गया। वैसे भी आगे जाके देखें एन को हम इलिमिनेट किया करेंगे, ये अननोन रिएक्शन होता है इसका पता नहीं होता, आगे जाके भी एन को इलिमिनेट किया करेंगे। अब यहां भी इलिमिनेट हुआ है, एन और एन कैंसिल हो गए, ये आ गया टेंजेंट इनवर्स म्यू। तो ये जो थीटा है ना अब है, ये वाला जो थीटा है इसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हर थीटा को नहीं आप कह सकते एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा वो वाला एंगल ऑफ फ्रिक्शन है तब होता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन जब आपके पास जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाती है। बस ये इतना दिमाग में रख ले, मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाती है। यहां पर लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इन अदर वर्ड्स इन केस ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ये है विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये एंगल थीटा, ये रिजल्टेंट है, ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन है, ये एंगल थीटा है। तो ये लिखा हुआ है असल में आर और एन के दरमियान एंगल है, लेकिन वो तब जब ये आपके पास मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाए। मतलब बिल्कुल सिंपल बता दिया,
ये इज मेड बाय रिजल्टेंट विद द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल डायरेक्शन, ये होता है जी आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन बना रही होती है। यहाँ पर देखिए इनवर्स इन केस ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे देख लें जो आपके पास एंगल होता है रिजल्टेंट और डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान, या सिंपल रिजल्टेंट और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है जब ये आपके पास फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम से मुराद मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मोशन नहीं हो रही। अब यहाँ पे वो कहता है जी मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज जनरली डिनोटेड बाय लैम्डा, तो बजाय अब इसको हम थीटा लिखते रहें इसको हम लैम्डा लिखेंगे, राइट, ये थीटा को अब लैम्डा लिखेंगे। नाउ दिस लैम्डा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे लिख लिया है मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज जनरली डिनोटेड बाय लैम्डा, ये आपके पास है क्योंकि पहले भी हम ये कह रहे थे मेकिंग एन एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ये आपके पास लैम्डा होगा, ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है इसका लैम्डा भी पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड हुआ ना, ये भी पॉजिटिव है आपके पास। और फिर दिमाग में रख लें कभी भी ये वाला जो एंगल होगा आपके पास जीरो नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन इज देयर, फ्रिक्शन जीरो नहीं, वही तो हम पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन अगर जीरो होगी तो फिर करना क्या। तो अब यहाँ पे एक और चीज देख लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकली, इसको देख लें, ये जब लैम्डा टेन इनवर्स म्यू है तो टेन ऑफ लैम्डा म्यू होगा, तो जहां भी आगे जाके क्वेश्चंस में म्यू आ रहा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ रहा होगा, उसको टेंजेंट ऑफ लैम्डा हम लिखेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे टेंजेंट ऑफ लैम्डा से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप असल में आपका जो लेक्चर है ना ये आपकी बैकग्राउंड बना रहा है अगले लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब बेसिक डेफिनेशंस हैं, जिन्होंने पहले फिजिक्स पढ़ी है, वेल एंड गुड, नहीं पढ़ी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ से डेफिनेशंस देख लें। पहली डेफिनेशन है जी मास, कुछ इसको मास भी कहते हैं, वैसे मास है, वो होता है जी क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। ये तो हर किसी को पता है, आप दुकान पे जाते होंगे कुछ ना कुछ खरीदते होंगे, एक किलो आटा दे दो, दो किलो चीनी दे दो, करते होंगे ना। तो यहाँ पे देख लें इसको एम से डिनोट करना है और ये आपके पास है क्वांटिटी ऑफ द मैटर इन अ बॉडी। तो यहाँ पे देख लें, तो यहाँ पे ए वन के जी टू के जी, इसकी डायरेक्शन कोई नहीं होती, ये स्केलर है। आगे आगे जी वेलोसिटी, अभी हमने डायनेमिक्स नहीं पढ़नी, आगे जाके आएगा, लेकिन यहाँ पे देख लें ये फिर भी पढ़ लें, ये है जी डिस्टेंस कवर्ड अ बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो कह रहा है तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और जो मैग्नीट्यूड होगा उसका जारी बात है वो डिस्टेंस ओवर टाइम ही होगा क्योंकि ये डिस्टेंस ओवर टाइम का मामला है, लेकिन किसी डायरेक्शन में ही होगी वेलोसिटी। अब आ गई जी एक्सेलरेशन, ये आ गया जी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऊपर वेलोसिटी था इसको टाइम पे डिवाइड करते, मैंने सिंपल बताया, वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, या ये भी कह सकते हैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड द मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड वेलोसिटी ओवर टाइम, लेकिन वेलोसिटी क्या था, वो तो था डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस ओवर टाइम, ओवर टाइम क्या होगा, डिस्टेंस ओवर स्क्वायर ऑफ टाइम, डिस्टेंस ओवर स्क्वायर ऑफ टाइम। ले जी फोर्स आ गई, फोर्स की डेफिनेशन है ये प्रोडक्ट होता है मास एंड एक्सेलरेशन, तो इसलिए यहाँ पे देख लें, हालांकि अब देख लें हम डायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे लेकिन अभी हमने ये यूज करने है सारे फॉर्मूले, तो एक्सेलरेशन और मास का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज कॉल्ड फोर्स। अब आ गया जी वेट, ये तो सबको पता होगा, दिस इज डिफाइंड एट द फोर्स बाय विच अ बॉडी ऑफ मास एम इज डायरेक्टेड या अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कितने शुक्र है हम लोगों का वेट अलग का बड़ा शुक्र है, वरना क्लास के अंदर भी हम हवा में उड़ रहे होते, मैं आपको ना अभी भी हम हवा में उड़ रहे होते, मैं आपको पढ़ा ना सकता, हवा में उड़ रहे होते, बैठे ना होते हम यहाँ पे। और यहाँ पे देख लें मैग्नीट्यूड जो इसका होता है ये होता है w इज इक्वल टू mg, m मास है, g क्या है, ये है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए मैंने ये एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन ये ग्रेविटी अब क्या चीज है, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ, अगर ये खत्म हो जाए हम फिर हवा में उड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देख लें ये आपके पास जो वेट है ये आपके पास जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसका इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, और आगे जाके क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी आप देख लीजिएगा वर्टिकली डाउनवर्ड ही इसको ड्रॉ करेंगे। तो जी है आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है उन्होंने ये वैल्यू भी यूज की होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे, ठीक है ना, वो लेकिन वो भी सी लेवल पे होती है, उधर ही हम जाते, तो ये डेफिनेशंस देखिए, ठीक है। आगे आ गया इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देख लें जो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ रहे हैं उन्होंने जरूर पढ़ा होगा कि जी एंगल बिटवीन द प्लेन्स निकालो, और उसका ये बताते हैं जो एंगल बिटवीन द प्लेन्स होता है दिस इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, बल्कि यहीं से देख लें अभी ज्यादा ड्रॉ नहीं हुआ, ये ले जी ये देख लें, ये आपके पास क्या चीज आई, ये आपके पास प्लेन है, ठीक है, ये इसके ऊपर नॉर्मल है, इसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन कह सकते हैं, ये इसके ऊपर नॉर्मल है, ये 90 डिग्री। अब मैंने इसको टिल्ट कर दिया, इसको ऊपर उठा दिया, या समझ लें कि ये एक प्लेन है ये दूसरा प्लेन है, और प्लेन्स के दरमियान एंगल जो है ये थीटा है, और यही है इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन, ये जो लिखा हुआ है। और अब ये वाला जो प्लेन आपके पास आ रहा है इस पर नॉर्मल ये ले लें, ये रेड वाला, तो ये अब यहां पर देखें इन नॉर्मल के दरमियान भी तो कोई एंगल होगा, ये ले यहाँ पे ये शो किया हुआ है कि ये वाली जो चीज आपके पास आई है रेड वाली, ये नॉर्मल बनता है इस प्लेन के ऊपर, ये वाला,
ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल है, और ये वाला जो आपके पास प्लेन है इस पे नॉर्मल, ये वाला आपके पास, ठीक है, ये हो गया। ले जी, जो मैं कह रहा था जी कि नॉर्मल्स के दरमियान, अब आप कहेंगे जी ऊपर क्यों ड्रॉ किया, वो एक ही होता है, जो वर्टिकल एंगल्स होते हैं सेम होते हैं। देखा मैं कह रहा हूँ मैथ्स लॉजिक बेस्ड होती है, वर्टिकल एंगल सेम होते हैं। अब यहाँ पे देख लें, आमतौर पर ये कहा जाता है कि जी जो नॉर्मल्स के दरमियान एंगल होता है वही आपके पास जो है, या ये कहना चाहिए एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। और बात वही है कि नॉर्मल्स के दरमियान जो एंगल होता है वही होता है जो उनके प्लेन्स के दरमियान होता है, वो भी ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने प्लेन्स के दरमियान एंगल निकालना होता है तो आप उनके नॉर्मल्स के दरमियान निकालते हैं, लेकिन पता तो लगे कैसे, कह सकते हैं थीटा और अल्फा सेम होंगे, यही है ना, इफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा तो फिर आप कह सकते हैं कि जो प्लेन्स के दरमियान एंगल है ये वाला वही उनके नॉर्मल्स के दरमियान। अब यही यहाँ प्रूव करना है कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्रूव करके दिखाना है मैंने आपको, क्योंकि आगे जाके हम यूज कर रहे होंगे, आगे जाके जो एंगल यहाँ पर होगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। फिलहाल इस एंगल को थीटा वन ले लें, ये ट्राइंगल के अंदर वाला। अब वो कहता है फ्रॉम द डायग्राम, वो कहता है थीटा और थीटा वन जो है 90 डिग्री बनता है, ये थीटा वन है और यहाँ पे देख लें ये थीटा वन है और ये थीटा, कैसे कह सकते हैं इन दोनों का सम जो है 90। रिकॉल करें मैट्रिक का थ्योरम, मैट्रिक का थ्योरम क्या कहा था, मैट्रिक के थ्योरम में था जी कि ये तीनों एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के, दिस वन एंड ऑल्सो ये दिस वन, ये तो 90 का ही है, इन तीनों का सम 180 होता है, इन तीनों का सम 180 होता है, 90 तो ये गायब कर दें। जब ये 90 गायब कर देंगे तो जारी बात है कि अब इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम 90 होगा, वो यहाँ पे लिखा होगा। फिर से देख लें दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये बन जाते हैं आपके पास 180 डिग्री, लेकिन ये 90 डिग्री नीचे नजर आ रहा है, इसके साथ वाला एंगल 90 डिग्री, वो गायब कर दें तो बाकी कितना रह गया आपके पास, अब दो एंगल्स का सम कितना बचा 90, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, तो इसका और इसका सम हो गया आपके पास 90। अब वो कह रहे हैं अल्फा और थीटा वन भी 90 है, ये जी अल्फा साहब है ये थीटा वन, बिल्कुल यहाँ पे देख लें ये इतना सही नहीं बना हुआ तो मैं खुद कहता हूँ, लेकिन ये ऊपर देखें एंगल 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का और ये नॉर्मल था, ऊपर 90 है तो ये नीचे भी टोटल 90 है, देखें जहाँ कर्सर जा रहा है टोटल 90 है, ये जहाँ कर्सर जा रहा है, दिस मीन्स अल्फा प्लस थीटा वन ये भी 90 डिग्री है। अब सिर्फ आपने ये करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दें, यहाँ लिखा है सबट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, सबट्रैक्ट कर दें थीटा वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देख लें अल्फा माइनस थीटा कर दें, यहाँ पर लिखा है सबट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, वैसे कर लें अल्फा माइनस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री 0 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा, तो हो गया प्रूफ, ये जो अल्फा है ये थीटा के बराबर ही है, और पहुंच गया कि तू मेरे बराबर ही, अकड़ मत ज्यादा, तो यहां पे देख लेंगे अल्फा इज इक्वल टू थीटा, तो प्रूफ क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया अल्फा इज इक्वल टू थीटा, लेकिन ये नहीं प्रूफ हुआ, प्रूफ ये हुआ है कि जो आपके पास प्लेन्स के दरमियान एंगल होता है वही उनके नॉर्मल्स के दरमियान होता है, ये प्रूफ है, ये है जी थीटा, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, इसको कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, अगर इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन जीरो हो तो उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं, आगे जाके वो भी आएगा। ये है जी अल्फा इक्वल टू थीटा, ये थीटा है लेकिन अल्फा के बराबर है, जो कि ये वाला एंगल था जो नॉर्मल से दरमियान है। अब यहां से देखें एक फोर्स है जो नीचे एक्ट कर रही है, आगे जाके यही वाली फोर्स आपकी जो वेट बनेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, ये फोर्स एक्ट कर रही है, ये देखें वो कहता है कंसिडर अ फोर्स एफ इन द डायग्राम, वो ये वाली होगी एंड इट्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलर कंपोनेंट्स एफ साइन अल्फा और f cos alpha respectively, ये देखें ड्रॉ की हुई यहाँ पे, ये है जी f sin alpha, ये है जी f cos alpha, इसमें बहुत केयरफुल रहना है, रट्टा नहीं लगाना, ये ना लगे आपको और जी ये तो लगता था जी ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे cos लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपके पास तो लगता है कि ये तो हॉरिजॉन्टल है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, इस तरह नहीं करना, हमेशा दिमाग में रखें कि जो आपके पास एंगल होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, राइट और ये लेंथ अगर आपके पास f है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये देख लें इसको परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ध्यान से देखें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, जो आपके पास एंगल होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो अगर ये आपके पास अल्फा है तो ये सामने वाली साइड होगी f sin अल्फा, ये f क्या है, f जो है आपके पास हाइपोटेन्यूस की लेंथ है जिसके अलोंग ये फोर्स f है, उसका मैग्नीट्यूड है, f फोर्स का मैग्नीट्यूड है, यही चीज है कि ये एंगल है तो सामने वाला आपके पास होगा f sin अल्फा और ये क्या हो जाएगा f cos alpha, और ये मैं फिर कहने लगा हूं अगर ये आपके दिमाग से निकला हुआ है तो प्लीज जाके देख लें आपका जो लेक्चर नंबर 2 स्लाइड 5, लेक्चर नंबर 2 स्लाइड 5 जहां पे हमने ऐसे कुछ ड्रॉ किया था, ये देख लें अब मैं ऐसे करने लगा, ये r लिया हुआ था, ये आपने कहा था जी ये फिर r cos theta होगा, ये आपके पास r sin theta होगा, थीटा का यहीं ड्रॉ किया होगा, ये तो मैंने अब इस तरह से बताया, लेकिन बेहतर होगा कि आप लोग देख लें लेक्चर नंबर 2 स्लाइड नंबर 5, तो उससे साफ क्लियर हो जाता है कि ये वाला एंगल है सामने वाला जो परपेंडिकुलर है, ये आपके पास f है तो ये होता है f sin alpha, जो बेस के लॉन्ग होता है f cos alpha, ठीक हो गया। आ गया जी इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, पार्टिकल ऑफ बॉडी समझें, इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस, आम लैंग्वेज में बैलेंस हुआ है जी सब कुछ, और ये है रफ इंक्लाइंड प्लेन,
ये पहली बात है इंक्लाइंड प्लेन होगा, उस प्लेन का कोई एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से, रफ का मतलब है कि फ्रिक्शन उसके पास ऊपर अवेलेबल है या फ्रिक्शन इज देयर। अब आता है कंडीशन फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ना अगेन ये नया वर्ड आ गया लिमिटिंग, पहले इक्विलिब्रियम था अब लिमिटिंग आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि राइट हैंड फोर्स लेफ्ट हैंड फोर्स को बैलेंस करेगी, राइट हैंड फोर्स लेफ्ट हैंड साइड की जो फोर्स है उसको बैलेंस करेगी, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगी, कि लेफ्ट हैंड फोर्स इज गोइंग टू बैलेंस द राइट हैंड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज गोइंग टू बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स। तो ये होता है इक्विलिब्रियम का। अब लिमिटिंग का क्या मतलब है? लिमिटिंग का मतलब ये निकलता है कि जो फ्रिक्शन है वहां पे आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। एफ इज इक्वल टू म्यू एन, ये मैंने जुबानी जो नहीं बोला है। अब स्टार्ट करते हैं, ये लें जी। अब वो कहता है लेट अ पार्टिकल ऑफ मास एम, मास एम कह लें, बी एल इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन केस हो गया, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा अंडर इट्स वेट ओनली। ठीक है, बस एक वेट या जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है ये वाली फोर्स है, लिखा हुआ है एज शोन इन फिगर बिलो। तो चलें फिगर ड्रॉ करते हैं, ये लें जी, ये हॉरिजॉन्टल आ गया, ये इंक्लाइंड प्लेन आ गया, ये है जी उसकी इंक्लिनेशन, ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है और ये इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन है, ये पॉइंट हुआ जहां पे ये इन कॉन्टेक्ट। ठीक हो गया जी, ये बॉडी आएगी जी, मैस एम की बॉडी आएगी, ओ तेरिया की, अच्छा वेट है उसका, ये नॉर्मल एक्शन आ गया, ये देखें जी ये नॉर्मल एक्शन हो गया। ठीक है जी, जारी बात है ये प्लेन का नॉर्मल एक्शन बॉडी पे है, वरना बॉडी घुस जाएगी प्लेन के अंदर, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड ये वेट है एमजी, अभी आपने पढ़ा है, इसी लेक्चर में पढ़ा है, देख लीजिएगा यहाँ पे देख लें, और ये देख लें ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो जी के नीचे मैंने वेक्टर डाला हुआ है, एम वेक्टर नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ये वेक्टर है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही वेट एक्ट करता है। अब वो कहता है लेट अ पार्टिकल ऑफ मास एम, ये देख लें, बी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन केस है, इसका मतलब है कि ये जरा सा और टिल्ट होगा तो ये पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग पे, इसके बाद ये स्लाइड कर जाएगा अगर जरा सा प्लेन और टिल्ट हुआ तो, ऑन अ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, ये है जी प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन, इसके ये इंक्लिनेशन अल्फा है, अंडर इट्स वेट ओनली, ये है जी इसका वेट, एज शोन इन द फिगर बिलो, म्यू को कहता है कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू अगर आपके पास जो है कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है तो एफ इज इक्वल टू म्यू एन हो गया, एन क्या है ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये आपने पढ़ लिया था टेंजेंट ऑफ लैम्डा म्यू है, टेंजेंट ऑफ लैम्डा म्यू है, और यहाँ पे देख लिया लैम्डा क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये लिखा हुआ है, लेट म्यू बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड लैम्डा द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये हो गया। अब है जी इसमें करना क्या है, अब पहली चीज ये रिकॉल कर लें, करना तो मैं बताता हूँ आपको, बॉडी अगर स्लाइड करेगी तो नीचे स्लाइड करेगी, फ्रिक्शन ऊपर को होगी, देखें ये लॉ ऑफ फ्रिक्शन हमने ये पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही हो या टेंड्स टू मूव कर रही हो, या टेंड्स टू मूव, ठीक है ना, और जो वो डायरेक्शन जिसमें बॉडी टेंड्स टू मूव उसके ऑपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट होती है, ये जो वेट है इसको रिजॉल्व किया हुआ है। अब देखिए अभी आपने पढ़ा था कि ये जो आपके पास दो प्लेन्स होती हैं इनके दरमियान जो एंगल होता है वही उनके नॉर्मल्स के दरमियान होता है, अब यहाँ पे देख लें ये वाला जो नॉर्मल बनता है ये कह सकते हैं ये इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वाला जो आपके पास ये तो है ही नॉर्मल जो कि आपके पास कौन सा है ये जो आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये वाला एंगल वही होगा जो ये, तो अभी प्रूफ किया है इसलिए करवाया था, अब ये समझ के आपने इसको अल्फा लिखा है तो इसको भी अल्फा लिखना है, अब आपने इसको रिजॉल्व करना है सामने वाली क्या साइड होगी और ये वाली, जरिए पता है यहाँ पे आपके पास एम जी साइन अल्फा आ रहा होगा क्योंकि ये अल्फा जो है इसके सामने वाली साइड और ये जो अल्फा इसके साथ वाली साइड इस पे एम जी कॉस अल्फा आ रहा होगा, ले जी एम जी कॉस अल्फा एम जी साइन अल्फा, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो ये पीछे अभी जो मैंने करवाया इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन वो देख लीजिएगा, वही काम किया वहां पे आपने, यहाँ पे देखिए एफ लिखा होता यहाँ भी एफ आ रहा था यहाँ भी एफ आ रहा था, ठीक है ना, वेक्टर एफ लिखा होता लेकिन यहाँ पे एफ और एफ उसके मैग्नीट्यूड आ रहे थे, उसी तरह से ये एम जी कॉस अल्फा आ गया ये एम जी साइन अल्फा आ गया। एक चीज का ध्यान रखना है, इसको तो मैंने अंडरलाइन किया हुआ, इसको प्लीज अंडरलाइन ना कीजिएगा, अगर ये बुक में भी कहीं इस तरह से गलती से हुआ है तो उससे कंफ्यूज ना होइएगा, अपना ये कॉन्सेप्ट यूज किया करें, ये देख लें अगर सपोज करें मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ तो ये एम जी कॉस अल्फा और एम जी में फर्क क्या है, ये साइन अल्फा का फर्क है ना, उसका स्केलर मल्टीपल है, फिर तो इन दोनों को पैरल होना चाहिए, पैरल तो नहीं है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन ही और एम जी साइन अल्फा की, तो यहाँ पे देख लें ये लेंथ वाइज शो किया हुआ है, नीचे प्लीज जी को अंडरलाइन ना कीजिएगा, वेक्टर ना बनाइएगा, ये चीजें समझें, ठीक है, ये लें ये डायरेक्शन वाइज, ये भी मैंने वेक्टर नहीं शुरू किया, ये डायरेक्शन वाइज की एम जी साइन अल्फा इधर को एड कर रहा है, एम जी साइन अल्फा वो फोर्स जिसके मैग्नीट्यूड एम जी साइन अल्फा इधर को एड कर रही है, ठीक हो गया, या यूं कर ले वो वाली फोर्स जिसका कि स्केलर कंपोनेंट एम जी साइन अल्फा, और मैंने सिंपल कर दिया, वो वाली फोर्स जिसका कि स्केलर कंपोनेंट एम जी साइन अल्फा है वो इस डायरेक्शन में एड करी, क्यों, इसी के पैरेलल यहां ड्रॉ किया। अब हमने क्या निकालना है, जो हम बात करने लगे थे कंडीशन निकालनी है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी जब बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे है और एक वेट ही है जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है अंडर इट्स ऑन वेट, ठीक है, इसमें हम ये करेंगे रिजॉल्व करेंगे,
रिजॉल्व अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब रिजॉल्व का क्या मतलब है, रिजॉल्व का पहले मैं बताया था कि जब आप कहते हैं रिजॉल्विंग द कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स जिनके दरमियान एंगल 90 का हो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स देखेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट्स देखेंगे, हॉरिजॉन्टल देखेंगे और वर्टिकल देखेंगे। चलें कि क्वेश्चन लिखते हैं ये आई जी। अब ये देखें, पहले ये अंडरस्टैंड कर ले, कहते हैं रिजॉल्विंग अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहा है, इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहां भी टॉपिक ही है रफ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात वो नहीं कर रहा। अब यहां पे देख लें, पहले कर लें जी अलोंग, जारी बात है मैंने कहा था जी लेफ्ट हैंड फोर्स जो है वो राइट हैंड फोर्स को बैलेंस करेगी, ये है जी लेफ्ट हैंड फोर्स, लेफ्ट हैंड फोर्स है जी एम जी साइन अल्फा, उसका स्केलर कंपोनेंट यहां पे देख लें, और ये आपके पास है ये एफ, ठीक है, ये आपके पास है जी, ये आपके पास है लेफ्ट हैंड फोर्स, ये राइट हैंड फोर्स बनती, मैं प्लेन की बात कर रहा हूं, ये लेफ्ट हैंड फोर्स बनेगी, ये राइट हैंड फोर्स, और ये जो आपके पास है फोर्स एफ, इसका कंपोनेंट क्या बनता है, इसका तो एफ ही बनता है, यही आपके पास है, यहां भी कंपोनेंट, तो ये देखिए एम जी साइन अल्फा एफ ये बैलेंस हो रहे हैं, क्यों बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि मामला इक्विलिब्रियम का है, लेफ्ट हैंड फोर्स और राइट हैंड फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड है, एफ फिर फर्दर म्यू एन के बराबर है, क्योंकि ये थी आपके पास मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये म्यू एन के बराबर है, तो ये हमने रिजोल्व किया अलोंग द प्लेन। इसी तरह से अब आपने रिजोल्व करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस करना है। लें जी अपवर्ड फोर्स आपके पास कौन सी है, ये ऊपर को नॉर्मल एक्शन, ये नॉर्मल एक्शन का मैग्नीट्यूड आ गया या कंपोनेंट आ गया, और यहां पे देख लें ये डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, डाउनवर्ड फोर्स आपके पास जो है यहां पे देखें, जो डाउनवर्ड फोर्स होती है वो है mg cos अल्फा। अब देखें यहां पे कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये वेक्टर कहां गायब हो गया, हुआ है कंपोनेंट्स सेम किए हुए हैं, कंपोनेंट्स को सेम किया हुआ है, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, अगर ये मतलब कंपोनेंट सेम ना होते तो इक्विलिब्रियम होना ही नहीं था, ये ऊपर को जा रहा है, ये नीचे को जा रहा है, ये लेफ्ट को जा रहा है, राइट को जा रहा है, अगर ये सेम ना होता तो इक्विलिब्रियम होना ही नहीं था, इक्विलिब्रियम होना नहीं था, आपने कंपोनेंट्स को सेम करके लिखना है। अभी तो यहां पे देख लें एक ही फोर्स थी, हो सकता कोई और भी होती तो यहाँ पे ऐड करते, ये अपवर्ड फोर्स भी यहाँ पे देख लें, अपवर्ड नहीं करना चाहिए ये, या ये कह लें कि जी अपवर्ड लेकिन अलोंग द प्लेन, राइट हैंड फोर्स जो अलोंग द प्लेन है ये एक ही है, कोई और होती यहाँ पे हम ऐड कर लेते, तो ये चीज यहाँ पर है। अब यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, इनमें जो नॉर्मल एक्शन है दैट इज ऑलवेज अननोन, इसको एलिमिनेट करना होता है, यहाँ बहुत सिंपल है, दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, ये लिखा हुआ डिवाइडिंग द फर्स्ट इक्वेशन बाय द सेकंड, डिवाइड करेंगे तो ये mg mg कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा टेन अल्फा होता है, म्यू एन ओवर एन ये म्यू होता है, और म्यू टेंजेंट ऑफ लैम्डा होता है, यहां पे देख लें म्यू जो टेंजेंट ऑफ लैम्डा होता है, तो ये चीज आ गई। और जब ये टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ लैम्डा है तो इससे क्या पता लगता है कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा होगा, यही हुआ ना अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा, मैथमेटिकली करना है तो दोनों तरफ टेन इनवर्स कर लें, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन निकल रही है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकल रही है, ये तब निकल रही है जब आपके पास रफ इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर बॉडी मौजूद है और अंडर इट्स ऑन वेट ही बैलेंस हुई हुई है, अंडर इट्स ऑन वेट ही इक्विलिब्रियम में है, तो ये तब होगा जब आपके पास इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन होगी ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगी, या कह लें मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे जाती है और इधर होना था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन और ये अल्फा ये सेम हो, अगर ये सेम हो जाते हैं तो यहाँ पे कंडीशन क्या निकली है, बल्कि यहां पढ़ लेते हैं ये लिखा हुआ है, Hence, if a particle is in limiting equilibrium on an inclined plane, ये inclined plane आपके पास, under its own weight, ये इसका weight है, और कोई force यहां पे देख लें, ये तो normal direction है, लेकिन ये body के ऊपर देख लें, under its own weight, ये सिलसिला, under its own weight, the inclination of the plane, जो कि alpha है, equals the magnitude of the angle of friction, जो कि lambda है, यही वाली चीज याद रखिए, in equilibrium, left hand forces balance the right hand forces, जैसे ये हुई है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड थी ये राइट हैंड थी ये बैलेंस हुई एंड द अपवर्ड फोर्सेस बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्सेस, यहाँ पे जैसे ये हुआ है अपवर्ड फोर्सेस यहाँ पे देखें नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है और ये डाउनवर्ड फोर्स ये एम जी कॉस अल्फा ये यहाँ देख लें ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है तो उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ आ गया होगा तो आगे जाके जो हम करेंगे ना उसमें बकायदा हम फोर्सेज निकाल रहे जी कोई फोर्स है जिसने इसको मूव करना है आप कोई फोर्स होगी जो मूव डाउन करे वो बाद में बात है लेकिन इस टॉपिक को समझ लें और मेरा ये लेक्चर यहाँ तक ही है सो दैट्स इट तो कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर पूछिएगा डोंट हेजिटेट लेक्चर को जरूर समझ लीजिएगा ताकि आपकी अगली असाइनमेंट भी इजीली आप कर सकें तो ये थैंक्स हो गया यहाँ पे तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 7 में।